स्ट्रीट फूड। पेटूपुर नाम के गांव में लोग स्ट्रीट फूड खाना बहुत पसंद करते थे, इसीलिए उस गांव में बहुत सारे खाने की रेडियो में बहुत किस्म के व्यंजन बेचते थे। एक दिन उस गांव में दगाचंद नाम का एक व्यक्ति आया, जिसे उसके घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था। दगाचंद उस गांव में कोई नौकरी की तलाश में स्ट्रीट फूड रेडियो के पास आया। उनका धंधा बढ़िया चल रहा देख के उसे एक तरकीब सूझी। उस गांव में उसने चार लड़कों को तैयार किया, शर्ट को टक करके टाई बांध कर उन रेडियो के पास गया। वहाँ बीच में एक टेबल डालकर, ओ देखिए, मेरा नाम दगाचंद है, मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ। मुझे सूचना मिली है कि आप लोगों ने खाने में मिलावट किया हुआ है, मुझे उन्हें जांचना होगा। आप जो बेच रहे हैं उनका सैंपल मेरे टेबल पर रखें। वे डर कर चाट, समोसे, चिकन मंचूरिया, आइसक्रीम सब लाकर उसके टेबल पर रखा। वो सब खाने लगा। समोसा खाते हुए, मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ ना, इसीलिए मुंह में खाना डालते ही मैं जान जाता हूँ कि उसमें मिलावट है या नहीं, पर तुम्हारे समोसे में ऐसा रसायन मिलाया हुआ है जो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। इन्हें अब लैब भेजकर जांच करना पड़ेगा। एक काम करो, 50 समोसे पार्सल करके लाओ। वो डर कर समोसा पार्सल करके लाया, बाद में आइसक्रीम खाकर, अरे तुम्हारे आइसक्रीम में आइस ज्यादा है और क्रीम कम, लैब भेजना होगा। 20 आइसक्रीम पार्सल करना। वो एक डिब्बे में लेकर आया। चिकन मंचूरिया खाकर उसे जोर से चांटा मारा, क्यों बे, मंचूरिया ऐसे बनाते हैं? इसे तुरंत चाइना के लैब में भेजकर जांच करना पड़ेगा। 20 प्लेट मंचूरिया, 20 प्लेट चिकन 65 और 20 प्लेट नूडल्स लेकर आओ, जाओ। वो डरते हुए पार्सल लेके आया। बाद में दगाचंद ने तैयार किए लड़कों से, सुनो, तू तुरंत ये आइसक्रीम स्कूल के पास जाकर बेच कर आओ, और तुम उस समोसे को रेलवे स्टेशन पर जाकर बेचो। तुम इन चाइनीज आइटम्स को जिम के सामने टेबल लगाकर बेचो। दोपहर तक उन्होंने सब बेचकर दयाचंद को आकर पैसे दिए, उसने उन्हें कमीशन दिया। बाद में रेडियो के पास जाकर टेबल लगाकर, आपने जो सवेरे बनाया था उसे मैंने लैब भेज दिया है, अब दोपहर का बनाया हुआ मुझे दिखाओ। उन्होंने फिर से उन आइटम्स को टेबल पर रखा। उसने एक एक खाया। ना ना, आप लोग बदले नहीं, अब भी मिलावट कर रहे हो। आप सारा पैक करके दे दो मुझे, उसे सेंट्रल लैब में भेजना होगा। वे डर कर सारा खाना एक ऑटो ट्राली पर चढ़ाया। दगाचंद ने उन चारों लड़कों को ऑटो ट्राली सौंपा। वे यूं हर रोज आकर खाने की वस्तुओं को ऑटो पर चढ़ाने लगे। एक दिन एक आदमी ने हिम्मत करके, ये क्या है सर, फूड इंस्पेक्टर जब तब आकर चेक करते हैं, पर यूं तीनों टाइम आकर सारा खाना थोड़ी ले जाते हैं सर। दगाचंद ने उसे थप्पड़ मारा, और तुम लोग इतना मिलावट करते हो, इसीलिए मुझे यहाँ स्पेशल ड्यूटी पर भेजा है, वरना तीन वक्त तुम लोगों का खाना इकट्ठा करके उतनी दूर लैब भेजना मुझे क्या जरूरत है। कल से इसे ले जाने का खर्चा भी तुम्ही लोगों को देना होगा। वो हिल गया। एक दिन दगाचंद बिरयानी पॉइंट पर जाकर लैब भेजना है कहकर 100 बिरयानी पैकेट को पार्सल कराया। उस दिन शाम को उस बिरयानी पॉइंट का मालिक दिनेश ट्रेन पर चढ़ा। बिरयानी भैया, बिरयानी, स्पेशल दम बिरयानी, आवाज लगाता हुआ जा रहा था। दिनेश को भूख लगी थी तो उसने एक पैकेट बिरयानी खरीदा, उसे थोड़ा खाया। अरे ये तो मेरा बनाया हुआ स्पेशल दम बिरयानी है, ये ट्रेन में कैसे आया, कहकर थोड़ी देर के लिए सोचा। उसे सारी बात समझ में आया। अगले दिन स्ट्रीट फूड वालों को जाकर दगाचंद के बारे में सब कुछ बताया। वे हैरान हो गए। थोड़ी देर बाद दगाचंद ने टेबल लगाकर, आओ अपना खाना इस टेबल पर रखो। उन्होंने उस प्लेट में रखे खाने में जुलाब की गोलियां मिलाई, उसे लाकर टेबल पर रखा। दगाचंद ने उसे खाया, उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगा, वो पेट पकड़कर भागा। शाम को लौटकर
क्यों इतना मिलावट करते हो? तुम लोगों का खाना खाकर मेरा पेट खराब हो गया है। अब सबको 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा तुरंत, वरना जेल में डाल दूंगा। हम भी यही सोच रहे हैं सर। चलो जेल चलते हैं, तुम्हें जेल में डालकर हम अपना घर चलते हैं। दगाचंद घबरा गया, सब ने उसे खूब मारा। बाद में पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार करके जेल में डाला। फूड चैलेंज। एक गांव में एक ढाबा था। उस ढाबे को मुंगेरी लाल नाम का एक आदमी चलाता था। वो बड़ा धूर्त था। ढाबे पे कोई खाने आता तो उनसे पराठे खाने का प्रतियोगिता करता। उनसे वो बोलता, मैं गरम गरम 50 पराठे दूंगा, उन्हें खाना होगा। पूरे 50 खा लोगे तो उनके पैसे ही देने नहीं पड़ेंगे, उल्टा मैं तुम्हें 500 दूंगा। पर एक भी पराठा कम खाया ना तो पराठे के पैसे तो भरने पड़ेंगे, ऊपर से 500 मुझे देने भी पड़ेंगे। हिम्मत है शर्त लगाने की? कुछ पेटू लोग होते थे जो शर्त मान जाते थे। रसोईया गरम गरम पराठे बनाता था। जब पेटू पराठे खाता तब मुंगेरी ब्लैक बोर्ड पर लकीरें खींचता और पराठों का गिनती करता। कितना भी बड़ा पेटू हो 30-35 खाता था और कहता, बाप रे मेरे से और नहीं होगा। तब मुंगेरी कहता, बिल 250 हुआ है और मेरे 500, पूरे 750 दो और जाओ घर। वो बेचारे पेट पकड़ के करते हुए पैसे भर के घर जाते थे। इस तरह मुंगेरी लोगों को चढ़ा देता था और पैसे लूटता था। एक दिन उसके ढाबे पर पेटू और छोटू नाम के दो दोस्त आ पहुंचे। पेटू गोल मटोल सा था और छोटू दुबला पतला सा। छोटू ने मुंगेरी से पूछा, दीवार पे वो लकीरें कैसी? मुंगेरी ने उन्हें शर्त के बारे में बताया। छोटू बोला, तो हम शर्त लगा सकते हैं। मुंगेरी पेटू को देख के थोड़ा डर गया। बाप रे लगता है पूरे 50 ये खा जाएगा। फिर उसने छोटू से कहा, कोई भी शर्त लगा सकता है उसके अलावा। उसने पेटू की तरफ इशारा किया। फिर छोटू बोला, यानी कि मैं हिस्सा ले सकता हूँ? मुंगेरी बहुत खुश होकर छोटू को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, हाँ हाँ ले सकते हो। फिर छोटू टेबल पर बैठ गया। तब पेटू सोचा, छोटू के बारे में उसे नहीं पता इसलिए शर्त लगा लिया, मेरा शरीर देख के वो डर गया। हो हो हो। वो हंसने लगा। मुंगेरी एक प्लेट में 4 परोठा लाया और छोटू को दे दिया। फिर उसने बोर्ड पर 4 लकीरें खींची। इतने में छोटू ने 4 पराठों को टक से खा लिया। मुंगेरी सब्जी का कटोरा ले आया और पूछा, पराठे कहाँ हैं? छोटू बोला, तुम्हारे आने तक क्या मैं उन्हें सूंघते बैठता, खा लिया। अरे सब्जी वहां रखो और पराठे ले आओ। मुंगेरी दंग रह गया। इधर रसोईया पराठे बनाने लगा और छोटू के प्लेट में जैसे ही आते थे वो टपक से खा लेता। इधर मुंगेरी बोर्ड पर लकीरें खींचता रह गया। इस तरह 30 पराठे खत्म हो गए तो मुंगेरी को डर लगा। वो रसोईये के पास पहुंचा और बोला, डबल आटा लगा के बड़े बड़े पराठे बना। रसोईया डबल आटा लगाकर बड़े पराठे बनाने लगा। पर जैसे ही छोटू के सामने आते थे टपक से खा लेता। इधर सब्जी का कटोरा भी खाली हो गया था। इस तरह 40 पराठे खत्म हो गए तो मुंगेरी उसे पराठे देकर पुराने लकीर पर ही नया लकीर खींच रहा था। कुछ देर बाद मुंगेरी आकर उसे पराठे देने लगा तो छोटू ने कहा, बस हो गया 50 पराठे मैंने खा लिए। मुंगेरी बोला, नहीं नहीं 40 ही खाए हो, यकीन ना हो तो बोर्ड पर लकीरें गिन लो। छोटू ने कहा, नहीं नहीं मैंने खाए हैं, मैं जानता हूँ मैंने पूरे 50 पराठे खाए हैं। मुंगेरी बोला, मैंने तुम्हें परोसा है, मैं नहीं जानता, मैंने 40 ही परोसे हैं। छोटू बोला, ये गलत है, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे चाहो तो सारे लकीरें मिटा दो फिर से शुरू करते हैं। फिर उसने पेटू से कहा, पेटू इस बार लकीरें तू खींच, ये बदमाशी कर रहा है। फिर मुंगेरी से कहा, भाई जाओ पराठे ले आओ। मुंगेरी दंग रह गया। उसने उसके हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, अब रहने दीजिए, जितने आपने खाए हैं बस है, मैं मान गया आप फिर से 50 पराठे खा लोगे। कहकर उसने 500 रुपए निकाला और छोटू को दे दिया। फिर छोटू बोला, अच्छा आज रहने दो, मैं फिर कल आ जाऊंगा। मुंगेरी बोला, नहीं बिल्कुल मत आना, आज से ये शर्त बंद। उस दिन से मुंगेरी ने पराठों पर शर्त लगाना बंद कर दिया और ईमानदारी से व्यापार करने लगा। तो बच्चों, किसी भी चीज में बेईमानी करने का सोचोगे तो उन्हें सीधा करने वाला कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। समझ गए?